हेलो गाइस, सो वेलकम बैक की सारी वीडियो में ना हम लोग जाने वाले हैं वापस से हमारी ब्यूटीफुल सी दुनिया में जो कि है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग की दुनिया। तो इस वाली दुनिया में ना मैंने एक बहुत ही अच्छा बिल्ड बनाया, मेरे साथ एक और अच्छा बिल्ड बनाया। तो आज पहले तो मैंने बनाया है एक ब्यूटीफुल सा कासल, और उसके साथ मैंने बनाया एक पोर्शन हाउस एंड मैंने बनाया एक सीक्रेट बिल्ड जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। All right guys, so welcome to my beautiful world। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स हैं, यहाँ पे मेरा कासल है, मैं भाई पूरे फुल एंशिएंट नेदरिट आर्मर में हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स हैं। तो बेसिकली ना मैंने यहाँ पे एक ऐसा बीकन बना दिया है। पहले ना ये बीकन स्टार्ट नहीं होता, फिर मैंने सोचा कि यार इसको तो आयरन के ब्लॉक्स के ऊपर लगाना होता है, तो फिर मैंने इसको आयरन के ब्लॉक्स के ऊपर लगा दिया। कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखो मेरे इन्वेंटरी में गोल्डन एक्स है, मेरे पास ना इनगट है तो मैं हेस्ट टू ले सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को चाहिए होगा आयरन का इनगट जो कि मेरे पास अभी है। अरे मेरा आयरन का इनगट कहाँ चला गया भाई? अरे मेरा आयरन का इनगट कहाँ गया? स्कैम हो गया, मेरे पास स्कैम हो गया। अरे अरे अरे, मेरे को आयरन का इनगट मैंने फेंक तो नहीं दिया ना? नहीं, मैंने फेंका भी नहीं है, स्कैम हो गया भाई। अरे मेरे को मेरा आयरन इनगट वापस दो यार, बहुत ही मेहनत से कमाया मैंने इसको। ओ ये भाई ठीक है, तो प्रोट्स यहाँ से लेते हैं हेस्ट टू। जब भी मैं बिगन के पास होंगे मेरे को मिलता जाएगा इफेक्ट हेस्ट टू का, जिससे मैं भाई ब्लॉक्स को जल्दी जल्दी तोड़ पाऊँगा। यहाँ पे एल है जिसको हम जला देते हैं। जल भाई आगे भाई, इसको मैंने काम दिया था भाई, काम भी ठीक से नहीं कर पाती। और देखो यार पोर्शन हाउस तो टूटा पड़ा है बिकॉज विदर का यहाँ पे अटैक हुआ था, इसलिए वो टूटा पड़ा है पूरा। एंड ये मेरा कासल, तो कासल आपको बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा होगा बिकॉज कासल को भी मैंने कॉबल स्टोन से करा है, मतलब स्टोन ब्रिक्स से करा है, वरना आगे तो ये डायमंड ब्लॉक्स का था। एंड पिलर्स मैंने नेदर ब्रिक्स के करे। यहाँ पे बच्चे के खेल रहे हैं। एंड सबसे क्रेजी पहले दरवाजे को बंद करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेसमेंट जो कि थोड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है बाहर से, बट अंदर से नहीं है। अंदर से मैंने यहाँ पे सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल एक एंड दो फर्नेस रखे कुकिंग के लिए और क्राफ्टिंग के लिए। एंड यहाँ पे विलेजर्स के लिए काफ़ी सारे बेड भी है, तो जो जो एक्स्ट्रा विलेजर्स है वो यहाँ पे सो सकते हैं। फिर ना मैंने विलेजर्स के लिए एक सीक्रेट, जो मैं आपको बोला था ना, मैंने एक सीक्रेट बिल्ड बनाया, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ यहाँ पे देखो चेस्ट में मेरे अंदर है, यहाँ पे विलेजर बैनर है, यहाँ पे एक विलेजर आया था, यहाँ पे सारे डायमंड वगैरह वगैरह है। यहाँ पे भाई यहाँ पे मेरा सारा भाई काम का सामान है। बच्चा तू क्या देख रहे मेरे को, मर वे मर। यहाँ पे नेदरराइट आर्मर है मेरा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे भाई मैंने इसीलिए स्पॉन कर दी इतने सारे विलेजर्स बिकॉज यार देखो मतलब मैं लाया उनको इतने सारे मेरे विलेजर्स इसीलिए बिकॉज यार बहुत सन्नाटा था यार इनके बिगर। ये मैंने बनाया है एक विलेजर टाउन, तो यही था मेरा वो सीक्रेट वाला। तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा है यार। ओ यार यहाँ पे एक वुल्फ भी है, नहीं वुल्फ नहीं कैट है, कैट कुछ नहीं करती। यहाँ पे इसको बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और गेट लगाया जिससे ना इस यहाँ पे बेसमेंट में जाकर भी सो सकते हैं, तो कुछ कुछ विलेजर्स अगर फिट नहीं होंगे तो इधर पे भी सो सकते हो, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा भी बना रखा है। यार ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे मेरे को। अरे अरे अरे, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर दिया। फिलहाल अभी आज की इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा बहुत रिपेयर करने वाला हूँ इस वाले पोर्शन हाउस को, बिकॉज देखो ये पोर्शन हाउस अभी भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। बट पोर्शन हाउस को ना रिपेयर करने से पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने अपना खुद का एक फार्म बनाया। जो आपको हाथ में मेरे वाटर मेलन दिख रहे हैं ना, ये मेरे फार्म का वाटर मेलन है। मैंने मेरे फार्म में वाटर मेलन और वीट को ग्रो करके रखा है, और मैं इसको तोड़ता हूँ, मेरे को भी वाटर मेलन मिलते जाएंगे, बहुत सारे वाटर मेलन मिलने वाले हैं। मेरे को पिछली बार 51 मिला था, आपने तो नहीं देखा होगा बिकॉज मैंने बिहाइंड द सीन्स में 51 लिए थे, एंड पता नहीं अभी कितने मिलने वाले हैं। एंड यार थैंक यू सो मच यार एवरीवन कि आप लोग इतना सपोर्टिव हो कि आप लोगों ने 400 सब्सक्राइबर्स हमारे करवा दिए। थैंक यू सो मच। मैं वीट भी तोड़ दूँगी यार, नहीं मेरे को नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वीट तोड़ गया मेरे इन्वेंटरी में ना अभी भसड़ मच रही है, एक भी स्पेस भी नहीं है मेरे इन्वेंटरी में, बट नहीं मेरे को नहीं लेना, अभी बाद में ले लूँगा। यहाँ पे क्रीपर भी ना बदतमीज घूमे जा रहा है, इसलिए मेरे को उसको भी मारना है यार। एक बदतमीज क्रीपर इधर पे घूमे जा रहा है, मारना पड़ेगा उसको। यहाँ पे फिलहाल मेरे बॉस पोर्शन लगे थे, सब कुछ टूट चुके हैं इधर के बाहर की वजह से। मेरे पास अभी बहुत सारे टेरेकोटा है, देखो बदतमीज क्रीपर नीचे आ गए, नीचे आके फट जाके फटवे आ जाना
पूछी क्यों लेते हो, अरे अरे इधर प्लास्मा पूछी। गया गया मेरा भाई यार, ये क्या, एक तो यार बैंड बजी पड़ी है उधर पे, ये और बैंड बजा रहे रुको यार, एक तो मेरे को पहले से मेरे को इसको रिपेयर करना पड़ेगा फिर मैं करूँगा, वरना अगर इसको नहीं रिपेयर कर पाऊँगा तो कैसे मैं करूँगा। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में ना बाउंड्री मैंने ऑरेंज टेराकोटा की बनाई थी, बट अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, अभी मैं बाउंड्री बनाने वाला हूँ पर्पल पिलर की। यार एक तो ये हाथ से तोड़ना पड़ रहा है, कुछ कलेक्ट भी नहीं हो रहा यार, वेस्ट जा रहा है मेरा सारा। पिकैक्स से तोड़ना चाहिए, पिकैक्स से कलेक्ट हो जाता है, हाथ से इतना समय लगता है और टूटता भी नहीं। यार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनको, मेरे पास आइटम फ्रेम भी है बहुत सारे, मैं भाई यार पिकैक्स ले ही लेता हूँ, इतना ले दी होना भी अच्छा नहीं था। तोड़ते इसको, ओ भाई भाई पिकैक्स तो भाई पूरे फुल वर्किंग मूड में भाई। यार मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ, तो इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। यहाँ पर लगाते हैं पर्पल पिलर, यहाँ पर तो ये लाल है, इसको ऊपर से तोड़ते हैं। बिकॉज यार देखो मेरे को ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, सभी तोड़ना है, बिकॉज अभी मैं इसको पूरा रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को भी सभी तोड़ने पड़ेंगे। तो तुम्हारा भाभी भी मस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगाते जाते हैं टेराकोटास को एंड इसको सुंदर बनाते जाता हूँ। तो बेसिकली इसके बाद ना मेरे को यहाँ पे डोर्स लगाने, आइटम फ्रेम्स लगाने, पोशंस लगाने, काफ़ी ज़्यादा काम है जिससे हमारा एक और बिल्ड रेडी हो सके। मतलब ये पोशंस तो भी नष्ट हो गए, तो मेरे को अभी यहाँ पे देखो इसको तोड़ना है पहले, एंड मेरे को इसके ऊपर चढ़ के ये लगाना है। यार एक तो यार यहाँ पे मेरे इन्वेंटरी में भसड़ मची हुई है, यहाँ पे कुछ कलेक्ट भी नहीं हो रहा है यार, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कलेक्ट हो रहा है क्या कलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ तक सबकी हाइट है, मैंने यहाँ तक हाइट कर ली है, पर पिलर है, पर ब्लॉक है, मजेंटा ग्लेस टेराकोटा है, सब कुछ है यार मेरे पास, कितने सारे टेराकोटा से देखो ना मेरे इन्वेंटरी में देखो एक बार, कितने सारे रेड ग्लेस टेराकोटा, ब्राउन ग्लेस टेराकोटा, ग्रीन ग्लेस टेराकोटा, सियान ग्लेस टेराकोटा, ब्लू ग्लेस टेराकोटा, भाई बोलते बोलते नाम बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा भाई। फिलहाल यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, मेरे को यहाँ पे रेड लाना बिकॉज यहाँ पे रेड भी रेडी लगा है। यार रुको रुको मेरे को पहले ना इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले यार कुछ कलेक्ट भी नहीं हो रहा है, पहले मैं इसको इतना तक कर लेता हूँ, ठीक है इतना तक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को इस यहाँ पे लगाना है मेरे को ब्लू ग्लेस्ड टेराकोटा, मेरे पास सियान ग्लेस्ड टेराकोटा भी है, वो भी मैं लगाने वाला हूँ इधर पे। एक्चुअली मैंने पीछे वाले वीडियो पे ये मैंने ले ही लगाया था, बट अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बिकॉज मेरे को ना अभी वैसे भी मुझे सुंदर लग रहा है, पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं अभी लगाता हूँ, चाहिए लाइट ब्लू था, बिल्कुल सियान नहीं था, सियान तो मैंने अपने पैलेस में लगाया, मतलब कासल में लगाया, सिर्फ एक ही सेट बाकी है। ऑल राइट, तो मैंने इस वाले सेट को भी कंप्लीट कर दिए, इसको भी करते हैं, एंड यहाँ पे इस वाले को भी मैं कर देता हूँ पर्पल ग्रेस टेराकोटा से, एंड इस वाले एरिया को भी मैं पर्पल पिलर से कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, पूरा हो चुका है कन्वर्ट, ये इसको पहले इस वाले ब्लॉक को तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है इधर पर। एंड ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज बाउंड्री मेरे को भी चेंज करनी पड़ेगी, ये देखो ये वाला बाउंड्री मेरे को यहाँ पे लगाने हैं पर्पल पिलर के ब्लॉक्स, तो बाउंड्री मेरे को चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज बाउंड्री मेरे को ऑरेंज टेराकोटा की नहीं पर्पल पिलर की बाउंड्री रखनी है। तो मेरे को मैं रियाज सामने जाकर करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर तोड़ दिया, मेरे पास टोटेम भी है, तो मैं मरने ही नहीं वाला, मतलब अगर मैं मरता हूँ तो ये टोटेम यूज़ हो जाएगा, तो मैं मरूँगा नहीं अभी। मेरे पास गोल्डन एप्पल तो नहीं है बट टोटेम ज़रूर है, मैं इसको लगाता हूँ, इसको लगाता हूँ। आपने कमेंट्स में उनको ज़रूर बताना कि यार आपने कभी क्या विलेजर आउटपोस्ट ढूंढा है क्या क्राफ्टिंग एमुलेट में, मैंने तो कई बार ढूंढा है। तो गाइज अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो भाई आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो जिससे हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो 1K सब्सक्राइबर्स पर मैं करने वाला एक बहुत ही स्पेशल Q&A और टॉक शो भी, तो जल्द ही वो टॉक शो आने वाला है इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे आएगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करूँगा, मतलब जल्दी मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाऊँगा, तो स्टे ट्यून रहना उसके लिए भी, मैं बनाऊँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो कम्युनिटी में कि यार कैसे बनाते हैं, बिकॉज यार मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने कभी बनाया नहीं है डिस्कॉर्ड सर्वर, बट अभी मैं बाद में बना दूँगा, तो अभी वो भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है बिकॉज अभी हमारे से 400 सब्सक्राइबर्स ही है, ना मैं करने 1K, तो 600 अभी भी और मेरे को लगने वाले हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं पर्पल पिलर के ये ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, मैंने पर्पल पिलर ही लगाया ना, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सारे ब्लॉक्स यहाँ पे लगा दिए, पर मेरे को ये दो ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे डोर जाएगा ना, नहीं ये मैंने गलत कर दिया ब्रो, नहीं ये दो ब्लॉक्स नहीं,
मेरे को इसके नीचे वाले ब्लॉक्स को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज देखो इस नीचे वाले ब्लॉक्स पे डोर फिक्स हो जाएगा, उस वाले को ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए मेरे पास ना वॉक्ड डोर होना चाहिए, मेरे पास कासल में वॉक्ड डोर है। रुको यार, मेरे को कासल में जाकर लेना पड़ेगा वॉक्ड डोर। ठीक है चलते हैं अभी कासल में। ठीक है मैं अभी बहुत सारे आइटम फ्रेम भी लेकर आ चुका हूँ, कासल में बहुत सारे पड़े थे एंड यहाँ पे देखो 64x64 वॉक्ड डोर भी पड़े थे मेरे कासल में, तो यहाँ पे मैं दो लगा लेता हूँ। ठीक है अब इसको खोल के हम जा पाएंगे हमारे पोर्शन हाउस के अंदर। ये वाला डिफरेंट पोर्शन होने वाला है मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इनको एंड ऊपर ही मैं शेल्टर बनाने वाला हूँ, जल्दी बटर भी नहीं बनाने वाला, अभी मैं सिर्फ ये सभी करने वाला हूँ, सिर्फ पोर्शन को ऐड करता हूँ। इसको तोड़ते यार, इसको नहीं बैठाने इधर पे, क्या कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ पे इसको लगाते हैं, इसको लगाते, अरे इनमें आइटम फ्रेम के अंदर ही आइटम फ्रेम चला गया, तो हो चुका मेरे पास भाई बहुत सारे हैं यार, मैंने भाई बहुत सारे आइटम फ्रेम से कर दिया इसको। तो गाइस मैंने बाद में वो आइटम फ्रेम्स लगा दिए थे मेरे पोर्शंस को, मैंने रिपेयर भी कर दिया, बाद में अभी मेरे को वो पोर्शंस लगाने, पोर्शंस लगाना बाकी है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। तो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं 500 सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वाली ईयर में हम लोगों को कंप्लीट करने हैं 1K सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो गाइस एंड 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। अगर आप कंप्लीट करोगे तो एक स्पेशल टॉक शो हो सकता है इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे, मिलेंगे टॉक शो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।